नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस मेंटोर आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस कमाल फ्रेज वीडियो में। सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए और ये बात बताइए कि क्या हम इसको एक पासपोर्ट साइज फोटो में अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फोटोशॉप का। अब अगर आपके पास पीसी है तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस फोटो में दिक्कत ये है कि ये फोटो जो है स्कैन किया हुआ है। स्कैन करने का मतलब ये फोटो टेढ़ा भी है, तो इसको सीधा करने के लिए हम सिंपल क्रॉप टूल पे जाएंगे और क्रॉप टूल का हम सी दबा देते हैं। सी प्रेस करते ही क्रॉप टूल ओपन हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो आप इधर देख लेना, इधर क्रॉप टूल यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पर ये बिंदु जो दिख रहा है यहाँ पे, यहीं पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्रॉप टूल भी आपको मिल जाएगा इजिली। अब यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है कि इसको साइज ले लेना है। साइज यहाँ पर ऑटोमेटिक मिलता रहता है 8:10 का, ठीक है। इस पर क्लिक करना है सिंपल। ये जो है ये पासपोर्ट साइज फोटो के लिए ठीक साइज है, ये अच्छा साइज है, मैं इसे बेटर मानता हूँ। अब इसको हम सिंपल जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से हम इसको क्रॉप कर लेंगे और चारों बगल देख लेंगे कि किधर से सही आ रहा है। एकदम मतलब बराबर कंधा बीच में, एकदम एरो की का इस्तेमाल करके इधर उधर हम कर सकते हैं। उसके बाद एंटर पर सिंपल क्लिक कर देंगे और इस फोटो में थोड़ी लाइटनिंग देने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करेंगे एक साथ, ठीक है। फोटो को आप देख सकते हो थोड़ी चेंजेस इसमें आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सिंपल करना क्या है कि ये फोटो जो है इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट करनी है। एक तो ये जहां जहां दाग धब्बे है उसको ठीक करना है, और दूसरा चेहरे को साफ करना है। ब्लैकनेस थोड़ा ज्यादा है तो उसको साफ करना है। ये साफ करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे जे का। जे आप जैसे ही क्लिक करोगे स्पॉट हीलिंग टूल एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर देखो ये स्पॉट हीलिंग टूल आपको इसमें मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, इस पर आप सिंपल क्लिक करना है। जे क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा, और उसके बाद इसके साइज को आप एडजस्ट कर लेना। उसके बाद जहां भी आपको छोटे मोटे दाग धब्बे दिख रहे हैं वहां पर आप सिंपल इसको ले जाकर ऐसे एक एक बार क्लिक कर देना। जहां भी आपको दिखे कि दाग धब्बा है वहां पर ले जाकर इजिली वहां पे कर देना। ऐसे ऐसे जहां भी आपको दिखे, व्हाइट हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, किसी भी कलर का कोई भी स्पॉट आपको दिखे जो लग रहा होगा कि फोटो को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको आप इजीली वहां से रिमूव कर सकते हैं। अब जैसा कि यहां पर मैक्सिमम जो बड़े बड़े दाग धब्बे थे उसको मैंने यहां पर रिमूव कर दिया है, इसको आप थोड़ा बड़ा कर लेना इसी टूल को। और यहां पर बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो, हालांकि ये बैकग्राउंड हम नहीं रखेंगे, इसको हम चेंज करने वाले हैं, बट फिर भी एज अ एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप छोटा बड़ा करके भी कितना भी बड़ा स्पॉट यहाँ से हील कर सकते हैं। किसी भी तरह का फोटो पे आपको कोई भी स्पॉट दाग धब्बा दिख रहा है तो वो आप इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दूसरा काम ये करना है कि इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्शन टूल का। यहाँ पर हम पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक और बहुत ही नायाब यहाँ पर फीचर दिया हुआ है, तो उसको हम सबसे पहले ट्राई कर लेते हैं कि क्या वो ठीक से काम करता है या फिर नहीं करता है। सबसे पहले जाएंगे सेलेक्ट मेन्यू पर और यहाँ पर हम सब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। ये सब्जेक्ट को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके सेलेक्ट कर लेता है, उसके बाद हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और हम उसे मास्क भी कर पाएंगे, देख लेते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका बहुत अच्छा यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो सिलेक्शन थोड़ा ऊपर हो चुका है, मतलब फोटोज के ऊपर हो चुका है। मैं और जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जस्ट लाइक देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा मतलब ये थोड़ा ऊपर हो चुका है। सिलेक्शन तो पूरा एकदम बढ़िया हुआ है, लेकिन इसे हम बढ़ाने के लिए जाएंगे हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम सिंपल राइट क्लिक करेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिलेक्शन पे ही राइट क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो एम दबाएंगे, एम से जो सिलेक्शन, ये कौन सा टूल है, ये जो सिलेक्शन टूल है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल, ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम जाएंगे फेदर पे, ठीक है, और फेदर हम यहाँ पे इसका 5 करके देखते हैं क्या होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा और जो चीज है, जो सिलेक्शन है, वो एक्सपेंड हुई है। अब ये ठीक सिलेक्शन हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल सी से इसका एक और लेयर बना लेंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, एक और लेयर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें जाना है, यहाँ पे नीचे सॉलिड कलर पे जाना है, और यहाँ से हमें जो कलर चाहिए वो कलर हमें चूज कर लेना है, सिंपल।
ठीक है। अब ये जो कलर हमने चूज कर लिया है, इसके बाद अब हमें यहाँ पर ये ब्लरनेस नहीं दिखे, इसके लिए क्या करना है, इरेजर टूल का इस्तेमाल करके जो भी चीजें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं उसे हम इरेज कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी है, आपको आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी ब्लरनेस थी वो सब कुछ हट जाएगी, बस हमें इजीली यहाँ से रिमूव कर देना है। अगर आप पेन टूल का इस्तेमाल करना जानते हो और उसमें थोड़ा एक्सपर्ट हो तो आप इजीली पेन टूल के मदद से भी सिलेक्शन बनाकर इजीली रिमूव कर सकते हो, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है जिसके लिए मुझे इधर उधर जाने की नहीं जरूरत है। यहाँ पर हम सिंपल इसका भी इस्तेमाल करके, इरेजर टूल का भी इस्तेमाल करके इसे आसानी से साफ कर सकते हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल समझ में नहीं आता है तो मैं आपको फिर से दोबारा देखने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आपको इस दुनिया का कोई भी ट्यूटोरियल समझ में नहीं आ रहा है तो उसे आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख लो, आपको कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ बातें समझ में आ ही जाएंगी। क्रिएटर हर एक चीज अच्छे से दिखाता है, बनाता है, क्योंकि वो स्क्रीन के सामने ही तो सब कुछ कर रहा है, अब उसके सामने क्या छूटेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, तो दोबारा आप उस क्रिएटर की वीडियोस को देख लिया करो। और मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप बेटर तरीके से आप उसकी जो भी बातें हैं वो सीख पाओगे, जो भी वो बताएगा। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करने से क्लैरिटी आ जाती है करना क्या। मैं आपको कभी भी सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी किसी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करें आप उसे बार बार चेकआउट करते रहें, देखते रहें कि किधर क्या छूट रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, ऐसे आप लगातार बैकग्राउंड रिमूव करने ना बैठे। हम जब रिमूव कर देते तो उसके बाद बात याद आती है कि अरे भाई इधर इतना छोड़ना चाहिए था, इधर इतना छोड़ना चाहिए था। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कर लीजिएगा, चेकआउट करते रहिएगा। अब यहाँ पर सिंपल हमको क्या करना है, इनके फेस को थोड़ा साफ करना है, रिटचिंग देनी है, और इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे टूल्स अभी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिंपल ब्रश टूल का ही इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ब्रश टूल में भी मिक्सर ब्रश टूल, और उसके लिए हम जाएंगे सिंपल ब्रश टूल पे ही और राइट क्लिक करके मिक्सर ब्रश टूल का सिलेक्शन कर लेंगे, और इसके बाद फोटो को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। और उसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर कलर हमें चूज करना है। कलर आप ऐसे ड्रॉपर ला देना और इस पर क्लिक करके ये वाला कलर जो स्किन कलर है इसको आप सिंपली खोल लेना, ओके क्लिक कर देना। अब यहाँ पर देखो हार्डनेस हमने थोड़ी बहुत कम कर दी है, वेट देख लो 16 होगा, लोड 75, यहाँ पर कुछ छिड़काव नहीं करनी है, कस्टम रहने देना, मिक्स 90%, फ्लो यहाँ पर 62 रख लेना, आप इसे कम बेस भी कर सकते हो अपने हिसाब से, फ्लो जितना कम रहेगा उतना आपको आसानी रहेगी किसी भी फोटो को अच्छे तरीके से मतलब साफ करने में। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करके चलाएंगे इसको ऐसे ऐसे, और आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे कि फ़ोटो पहले से बेटर हो गई है, साफ़ हो गई है। और फेस पर ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि हर जगह हर तरीके से ऐसे नहीं है कि लभेर देना है, फेस पर कहीं कहीं ही इसका इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि गालों पर, आंखों के आसपास, नीचे ऊपर और ओठ के आसपास, सर पे, जहां भी आपको दिखे कि लाइटनिंग कम है, जरूरत है, वहां पर आप इसको यूज करो। ऐसा नहीं कि पूरे फेस में आप इसको लगा लो, जहां आपको जरूरत दिखे सिर्फ वहीं पर आपको इसका इस्तेमाल करना है, और इसे कभी भी एक बार में यूज नहीं करना है, धीरे धीरे बार बार ऐसे माउस पर से आपके हाथ हटने भी चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमने इनके चेहरे को जगह जगह पर जहाँ भी मिक्सर ब्रश टूल का इस्तेमाल करना था वहाँ पर हमने कर दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इनके चेहरे पर जो लालीपन है, इनका चेहरा थोड़ा ज्यादा ही लाल दिख रहा है, तो उसे हमें डीसेचुरेट करना है, और उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे इस सिलेक्शन टूल का जो कि है क्विक सिलेक्शन टूल। आप डब्लू क्लिक करके इसको इजिली ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप सिंपल यहाँ पे जाना थ्री डॉट पे और क्विक सिलेक्शन टूल आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर को मिल जाएगा, और मेरा तो यहाँ पर सामने ही है तो मैं आपको दिखाता हूँ।
क्विक सिलेक्शन टूल में दो चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। ये जो माइनस वाली ऑप्शन है इससे सिलेक्शन कम होता है, इससे ज्यादा होता है, ठीक है। तो प्लस पर क्लिक करके और हमें यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने में ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ हमें ठीक करनी है सिर्फ उसी का ही सिलेक्शन करें। अब ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी का सिलेक्शन कर दे, इसका भी कलर डिसेचुरेट होने लगेगा, ऐसा नहीं। अब उसके बाद कंट्रोल यू पर हमें क्लिक करना है, उसके बाद हमें इसे कम कर देना है, ठीक है। देख सकते हो हमने इसे -30 कर दिया, ठीक है, 25 कर देते हैं, 25। और उसके बाद हमें कंट्रोल एल दबाकर इसके थोड़े लाइटनिंग को बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो लालीपन थी वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो थी वो कम हो चुकी है और फोटो पे अच्छी लाइटनिंग आ चुकी है। अब इसके बाद हमें फिर से इसको सेलेक्ट करना है, इनके शर्ट को, जो जो चीज़ें हमें सुधार करनी है वो हम करेंगे यहाँ पर इजीली। ये बहुत ही अच्छा क्विक सिलेक्शन टूल, ये बहुत ही अमेजिंग सिलेक्शन टूल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इनके शर्ट के सैचुरेशन को बढ़ाना है, तो उसके लिए कंट्रोल यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इनके सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, ज़्यादा नहीं मतलब, और उसके बाद कंट्रोल डी करके हम इसे डीसेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसे छोटा करके आप देख सकते हो ये फोटो काफ़ी कूल बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जैसे कि अब इस पिक्चर पर थोड़ी और लाइटनिंग बढ़ाने के लिए हम सिंपल कंट्रोल एम पे क्लिक करेंगे, ये इससे कर्व खुल जाता है। और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा इसका इस्तेमाल करेंगे शैडो बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये जो कर्व वाला सिस्टम है इसे आप, इसको आप इजीली सीख सकते हो। कर्व्स के ऊपर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं और मैं भी खुद इसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने वाला हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो। तो कर्व का इस्तेमाल करके आप देखो ये फोटो में बहुत अच्छी और अमेजिंग लाइटनिंग आ चुकी है, जो ये फोटो डिजर्व करता है वैसी लाइटनिंग कर्व्स इसे दे चुका है। और इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे और ये भाई साहब फोटो आपकी बनकर रेडी है। इसे आप उठाओ और सिंपल इसका कॉपी बनाओ। सबसे पहले आप कॉपी कैसे बनाते हैं वो भी देख लो, अगर सीखने आए हो तो अच्छे से सीख लो। सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ बैकग्राउंड पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, मर्ज विजिबल्स, जितने भी हैं सबको मर्ज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल एन दबाकर हम यहाँ पर न्यू लेयर ले लेते हैं। और चूंकि हमारा ये जो पासपोर्ट साइज फोटो निकालने का पेपर जो होता है वो A4 होता है, तो हम भी यहाँ पर A4 ही सेलेक्ट करेंगे, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, जब वो डॉक्यूमेंट खुल जाए उसके बाद सिंपल हम इसको वहां पर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, एडिट पे जाएंगे, स्ट्रोक देंगे इसे। स्ट्रोक आपको पता होगा कलर इसका ब्लैक होना चाहिए, स्ट्रोक मतलब बॉर्डर। ओके पर क्लिक करेंगे, 2px बहुत अच्छा है फोटो के लिए, तो हद से ज्यादा अच्छा है। उसके बाद कंट्रोल टी दबाएंगे, इसको छोटा करेंगे, ठीक है, और आसानी के लिए हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आपको समझ में आए। और उसके बाद यहाँ पर इसका अल्ट दबाकर एक खींच लेंगे, ठीक है, फिर अगेन अल्ट दबाकर एक और कॉपी इसका बना लेंगे, एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब ये तीन हो जाए तो उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दबाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लिक करेंगे और फिर अल्ट दबाकर इसे खींच देंगे। ये सब बहुत आसान है, अगर आप बिगिनर हैं तो सीखते रहिए, जीतते रहिए। कंट्रोल शिफ्ट अगेन दबाकर लेयर 1 पर क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल टी दबाएंगे तो सारा का सारा ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा कॉर्नर छोड़ देंगे कि बॉर्डर आए, ठीक है, नहीं तो फोटो एकदम नट्टी पर चढ़ कर आए, तो इससे बचाने के लिए फोटो हम ऐसे कर लेंगे और ठीक है एंटर दबा देंगे, ये भैया कंप्लीट है। उसके बाद कंट्रोल पी दबाएंगे, ये प्रिंट होने के लिए रेडी है। और इप्सन का प्रिंटर लगाइए, अपना प्रिंट कीजिए और कस्टमर को दीजिए। और अगर आपको थोड़ा कुछ ज्ञान मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हो सकता है कि आगे चलकर बहुत अमेजिंग वीडियोस इस चैनल पर आए, हो क्या सकता है, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ तो यार आएगी ही वीडियोस, बहुत अमेजिंग वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने उन दोस्तों में जो इन तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।